आइए हम माता के व्रत के लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं, जो कि फलाहार में काम में आएगी। इसके लिए हम सबसे पहले घी ले रहे हैं। हम यहाँ पर आलूओं को, जो मैंने छोटे छोटे काट रखे हैं, उनको गुलाबी होने तक सेक लेंगे। साबूदाने के पुलाव में आलू अच्छे लगते हैं। हमें इनको गलने तक पकाना होगा, तो हम इनको 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं। मेरे ख्याल से आलू अब पक गए होंगे, हम देखते हैं। आलू गुलाबी हो चुका है, इसका मतलब अंदर से पक चुका है। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसी घी में थोड़ी मूंगफलियां तल लेंगे गुलाबी होने तक। मूंगफली में से कितनी चट्ट चट्ट की आवाज आ रही है। इनको हमने गुलाबी होने तक सेक लेना है, बस ज्यादा नहीं सेकेंगे इनको हम, बस गुलाबी होने तक सेकेंगे। मूंगफली सिक गई है, इनको निकाल लेते हैं हम। थोड़े से काजू, काजू सेकते वक्त हम अपनी गैस बिल्कुल स्लो या बंद ही कर देंगे, क्योंकि काजू बहुत जल्दी जलता है। देखिए काजू यहाँ गुलाबी हो गया है। यहीं पर हम थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। किशमिश को बहुत हल्का सेकना है, बहुत हल्का, नहीं तो वो कड़वा टेक्सचर देने लगती है। किशमिश भी हमारी सिक गई है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर हरी मिर्च डाल, हरी मिर्च को भी हमने यहाँ सेक लेना है थोड़ा सा। बस हमारा ये मटेरियल तैयार है। अब हम वो साबूदाना लेंगे, वो वाला जो मैंने सुबह 2 घंटे के लिए भिगोया था और 2 घंटे ही तकरीबन छानने रख दिया था। वैसे इतना कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं बना नहीं पाई। छानने के लिए तो 20-25 मिनट पर्याप्त हैं। अब इसको हम एक छलनी में लेंगे। हम इस टाइप से छलनी को लेंगे और उस पर ऐसे साबूदाने को रख लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें नमक, पिसी हुई चीनी, अच्छा इसमें आप सब स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप मीठा ज़्यादा कर सकते हैं, खट्टे मीठे इस टाइप से। काली मिर्च, नींबू का रस, एक चम्मच घी, घी थोड़ा सा और भी ले लें तो कोई बात नहीं है। और ये जो सारा मटेरियल जो हमने बनाया था ना, सेक के रखा था, इसको भी हमें इसी में मिक्स कर देना है। और इन सबको हमें 2 चम्मचों की सहायता से मिला देना है इस टाइप से। यहां पर हमने एक भगोनी में 1 ग्लास पानी डाल के गर्म होने रख दिया है। ये इसमें अब उबाला आ चुका है। अब इसमें उबाला आने के बाद हम इसमें जो जो मटेरियल हमने मिलाया था, इसको इस पर हम रख देंगे। बाद हमने इसको कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए इसको रख देना है ढककर, और इसके पकने का इंतजार करना है। साबूदाना एकदम खिल के निकलेगा। पूरे 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है, और ये एकदम खिला हुआ बना है। मैं आपको दिखाती हूं, देखिए एकदम खिला हुआ, कहीं से चिपका नहीं है, कुछ नहीं, बस हमारा मिनटों में शानदार साबूदाने का खिला खिला पुलाव तैयार। अगर आप व्रत में हरा धनिया खाते हैं, जो भी चीज़ आप लाइक करें व्रत में, जो खाते हो नहीं भी खाते हो वो आप नहीं डालिए, और जो खाते हैं वो डालिए। यहाँ पर मैंने धनिया गार्निशिंग के लिए ले लिया। लाइए इसको सर्व करते हैं, एक निकालते हैं एक डोंगे में।
देखिए छलनी भी बिल्कुल क्लीन निकली है। आइए हम पुलाव सर्व करते हैं। बहुत टेस्टी पुलाव, मैं इसको नारियल की चटनी के साथ खाना पसंद करती हूँ। आप किसके साथ खाना पसंद कर सकते हैं करते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।